नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मनीष जी, नमस्कार देसाई साहब, नमस्कार 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 राजा जी, नमस्ते सर, मनीषा जी नमस्ते, नमस्ते मनीषा जी नमस्ते। आज क्या होता है, दो चार लोग मिलकर संडे मना रहे हैं शायद। और राजेश कैसे हो? ठीक है, बढ़िया है सर। ठीक है, चलो गुड गुड। मनीष कैसे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया बढ़िया। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। तुम तो वहां रहते हो ना, इलाहाबाद शायद? कहाँ? मैं नहीं सर, मैं आगरा रहता हूँ। अच्छा, आगरा रहते हैं आप? अच्छा, आगरा शायद राजेश जी है शायद इलाहाबाद से। अच्छा, आगरा साइड, आगरा साइड में रहते हैं। प्रॉपर आगरा में? एक्चुअली मैं सर 5 दिन फरीदाबाद रहता हूँ, 2 दिन आगरा रहता हूँ। जॉब फरीदाबाद में है, वीकेंड में घर है। अच्छा, फरीदाबाद में जॉब कहाँ है? जेसीबी में। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फरीदाबाद में मैं भी हूँ ना, एनएचपीसी में। अच्छा, फरीदाबाद रहते हैं? हाँ हाँ, नहीं आप तो रहता नहीं फरीदाबाद। अच्छा, रहता नहीं, रहता गाजियाबाद हूँ मैं। अच्छा, तो आप जॉब भी कर रहे हैं अभी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हमें तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मेरा एक मित्र और है, हम दोनों यही बात करते कि आप आईआईटी की पढ़ के चढ़ा ज्योतिष करने रहे हैं फुल टाइम। हमें ऐसा लगा कि आप फुल टाइम नहीं नहीं फुल टाइम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट था शुरू से, तो इंटरेस्ट था तो करते रहे, अलग ही जॉब भी साथ साथ ही करते रहे शुरू से ही। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एनएचपीसी ज्वाइन कर लिया था, तो एनएचपीसी में ही जब से हो गए, अब तो बस अब रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, हाँ चलिए। खैर, अब तो आप सर सिविल इंजीनियर हैं? नहीं, मैकेनिकल। मैकेनिकल, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ कुंडली की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ कुंडली मैंने आपको भेजी थी, आपने शायद देखी भी होंगी। जी सर। भी, हाँ, एक दो बार थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप ये जैसे कल भेजी आपने, हाँ है ना, अब आप मेरा सोचिए कि कल आपने हमको मिलती है, अब शाम को हमारे वो क्लास रहते हैं एस्ट्रोकोर के आपके साथ, तो कौन से टाइम में हम वो 3 कुंडलियां एनालाइज कर सके? अच्छा ठीक है, तो मैं एक दो दिन पहले आ जाए ना, तो सर है, क्या है कि हमको भी टाइम तो आराम से, अभी ये ऊपर से फटाफट देख लिया तो इतना मजा नहीं आता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है उतना। ठीक है, आई विल मेक इट श्योर कि आपको कुंडली पहले मिल जाए। हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप, हाँ, आपको मिल जाएगी, पहले मिल जाएगी। मैं भी इसको श्योर करूंगा, थोड़ा कन्फर्म करूंगा कि आपको ये 2-3 दिन पहले मिल जाए। हाँ वही वही, ठीक है ठीक। चलिए, खैर कोई नहीं है, थोड़ा सा एक मिनट जो डालिए, मैं पता चल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन ये जस्ट, चलो ठीक है ठीक है। और ये जो ये आपका जो ये स्क्रीन है ना, हो सके वो, क्योंकि सबके पास शायद पराशर लाइट नहीं होता है, तो ये स्क्रीन या तो आप शेयर कर दीजिए, मतलब उसका पिक्चर आप भेज दीजिए। ये बात सही कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पराशर लाइट नहीं है ना इसमें, स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या है, गलत आता है, गलत बन के आता है, दोनों कुंडली गलत। हाँ, अभी लास्ट टाइम भी किसी के साथ ऐसा ही इश्यू हुआ था ना, उन्होंने। हाँ बिल्कुल सर, एस्ट्रो सेज में तो बहुत गलत आ रहा है आजकल, वो शायद आपका ही ऐसा हुआ था ना। जी 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 जी, हाँ इसीलिए है। नहीं तो स्क्रीन शेयर करके भेजने का मतलब, रिकॉर्डिंग में तो स्क्रीन आती होगी ना ये? नहीं 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 नहीं, तैयारी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे ना, जैसे ये अभी स्क्रीनशॉट है, बस ये स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे डाल दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो क्या रहेगा कि हमको पता चले, मतलब मेरे पास तो पराशर लाइट है तो मैं तो एनालाइज कर, लेकिन दूसरे के पास नहीं है तो उनको दिक्कत, या तो आप बोलो तो मैं डाल दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है डालने में। ठीक है ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा ना, मैं कुंडली डाल दिया करूंगा आपको 2-3 दिन पहले, आप इसको जरा पाराशर लाइट में करके और इसको डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है वो इतना, आपके इतने स्क्रीन से वो उसमें ओल्डर वर्जन में इतने स्क्रीन नहीं आते हैं, लेकिन मैं हो सके इतनी डिटेल दे दूंगा। चलिए मैं अपना वाला डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा अंजलि से, वो अपना डाल देगी इसके अंदर। ठीक है ठीक है, वो मैं करवा देंगे। अच्छा, अब एक कुंडली स्टार्ट करते हैं। ये कुंडली है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अभी, धीरे धीरे हम लोग विवाह पे, संतान पे, एक्सीडेंट्स पे, मदर फादर पे, सब जगह आएंगे धीरे धीरे। तो अभी अभी हम थोड़ा जनरल टाइप की कुंडलियां ले रहे हैं। ये एक कुंडली है जो मेरे पास आई थी, 30 अक्टूबर 1977 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 10 बजे का जन्म है, पटियाला पंजाब से, 1977, 45 साल की मतलब ये हो चुकी है, फीमेल की कुंडली है, 1977 30 अक्टूबर 10 बजे पटियाला।
ये लास्ट इनकी शादी नहीं हुई। हाँ लास्ट टाइम ये कुंडी इंक्लूड नहीं हो पाई थी। हाँ अपन रह गई थी वो है। हाँ रह गई थी तो ये इनकी शादी नहीं हो पाई। तो ये हम लोगों को देखना है कि इनकी शादी ना होने के क्या रीजन रहे और क्या कुछ चांसेस हैं शादी होने के अभी भी। तो एक मिनट इस कुंडली को देखिए फिर वन बाय वन वील स्टार्ट और देन मैं थोड़ा लास्ट में से कंक्लूड कर दूंगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए एक मिनट के लिए। हाँ सर मैं देख नहीं पाया था तो अभी देखते जितना भी आपका बेसिक पॉइंट्स है वो तो एटलीस्ट कर लेंगे अभी। हाँ देख लो देख के ये देखो कि इसकी शादी होने में इतना डिले क्यों हुआ और शादी क्यों नहीं हो पाई और क्या मतलब चांसेस हैं। देसाई साहब आपने देखा होगा थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने देखा बताऊं इसमें सर सर। हाँ बोलिए राजेश सर। हाँ राजेश बोलो। देसाई साहब मैं थोड़ा बोल लूं फिर आप। हाँ 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 मैं हाँ आप बताएं बताएं कोई इशू नहीं। इसमें सर मतलब अगर लग्नेश को देखें सर तो लग्नेश त्रिकोण में है ठीक है बट नीच का है तो थोड़ी सी समस्या है। अदरवाइज दिग्बल के आसपास है तो ठीक ही कहा जाएगा। लेकिन जहां तक इनका सवाल है शादी का तो शादी के लिए अगर हम सप्तमेश को देखें सर तो वो राहु केतु एक्सिस में है और डेबिलिटेटेड हालांकि लाभ भाव में है लेकिन फिर भी डेबिलिटेशन है और डी नाइन में भी सेम पोजिशन है। D9 में भी वो राहु केतु एक्सिस में हालांकि गुरु की दृष्टि जरूर है लेकिन सूर्य की भी दृष्टि है और छठे भाव में छठे में शुक्र है। बहुत खराब तो नहीं कहते हैं शुक्र को छठे में लेकिन नीच का होता है काल पुरुष में छठे में मतलब 11 में है छह नंबर में है नहीं D9 D9 में। अच्छा D9 में ओके 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 बराबर है। तो सप्तमेश तो पूरी तरीके से पीड़ित है। अब लग्नेश तो ठीक है मतलब बहुत बुरा नहीं है लेकिन इनको दशा अगर उस हिसाब से मिले तो शादी अब उस हिसाब से दशा इनकी जो चल रही है वर्तमान में वो सैटर्न की दशा है। तो सैटर्न कहीं से एक उसकी दृष्टि सैटर्न की तो अशुभ ही कहेंगे हालांकि सप्तम को देख जरूर रहे हैं लेकिन दृष्टि तो अशुभ ही कहेंगे। एक ही अच्छा इसमें बहुत अच्छा था कि सप्तम में एग्जाल्टेड प्लेनेट है चंद्रमा वो मतलब इस कुंडली का बहुत ही बढ़िया पार्ट है लेकिन चंद्रमा की लगता है इनको दशा शुरू में मिली है। शुरू में चंद्रमा की दशा मिली लेकिन उस समय तो बचपन था हालांकि बचपन ठीक गुजरा होगा इनका लेकिन वो शादी का उम्र नहीं होगा तो इसलिए वो भाव एक्टिव नहीं हुआ। और अभी इनकी मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी दशा सपोज अभी शनि की है उसके बाद शनि में बुध की हो जाएगी तो बुध को भी देखें तो कहीं से सप्तम से तो संबंध बना नहीं रहा है सर। बस एक ही है कि वैसे भी जब तक तो एक्सपायर हो जाएंगी मेरे ख्याल से 2041 डेट है जी सर। और 45 साल तो हो कारक सर सर कारक को देखें सर। हाँ जो क्योंकि ये फीमेल की कुंडली है तो कारक गुरु होते हैं। हाँ तो गुरु भी अष्टम में है नवांश में भी उनकी पोजीशन ठीक नहीं है और नवांश में भी वो द्वादश में है। एक चीज है सर इस कुंडली में कि 4-8-12 का संयोग है ये क्या विदेश में सेटल्ड है क्या सर। हाँ ये विदेश में सेटल्ड होंगे मेरे ख्याल से बाहरी है लेकिन इनकी अभी शादी नहीं हुई बाहरी होंगी क्योंकि 4-8-12 इनका मतलब आपस में बड़ा अच्छा सामंजस्य है तो इन्हें बाहर होना चाहिए। चलिए और हिसाब से मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, तो क्या लगता है नहीं होगी चांसेस बहुत कम है शादी का योग कम लग रहा है शादी का योग कम लग रहा। दूसरा उनका सर जैसे बर्थ टाइम की आप दशा देखिए मून मर्क्यूरी की है मेरे हिसाब से। हाँ बराबर है ना मून मर्क्यूरी के सो मर्क्यूरी कहाँ पे है तो 12th में है सो उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है अंतरदशा लॉर्ड की और 6-8 एक्सिस बन रहा है उसका
वेरी नाइस। तो मतलब वो तो प्रॉप दिक्कत तो वहीं पे आ गई क्योंकि चंद्र बैठा हुआ है लग्न वाला सेवंथ में पर है। और जब वैसे भी जब सैटर्न का एस्पेक्ट आता है सेवंथ पे तो वो मैरिज में वैसे भी डिले करवाता है, शनि लेट कराते हैं। दूसरा क्या है, शुक्र जो है सेवंथ और वो अपनी मूल त्रिकोण से बारहवें में है तो वहां भी व्यय हो गया उसका। बराबर है ना। सो एक तो राहु केतु एक्सेस जैसे इन्होंने बताया डेबिलेटेड है वो भी है, फिर पाप कतरी में है मेरे हिसाब से, शुक्र पाप कतरी में आएगा। शुक्र हाँ देखिए पाप कतरी में आएगा ही आएगा आएगा, तो सब 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 तरह से वो गया हुआ है सेवन, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चांसेस हाँ चांसेस बहुत, यदि होता ना तभी का गुरु इससे शनि से पहले गुरु की दशा थी उसमें थोड़ा बहुत क्योंकि गुरु है तो कुछ प्यार या वैसे रिलेटेड कुछ काम करवाता है। गुरु में चंद्रमा होता हाँ उस समय गुरु में चंद्रमा हाँ वो तब चांसेस था तो चांसेस था, इसलिए अभी जो शादी नहीं हुई तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि हो सके, उस टाइम पे हो गई होती तो हो जाता। चलिए गुड वेरी नाइस वेरी नाइस। पांचवा भाव भी देख सकते हैं ना। हाँ मनीषा जी बोलिए आप बोलिए। पांचवा भी देखते हैं ना अगर विवाह में सातवें भाव हाँ, सगाई के लिए पांचवा होता है पांचवा देख। मैं बोलू सर एक हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर मैं मनीष बोल रहा हूँ। इसमें सर मैं जो अभी ऑब्जर्वेशन दिए वो तो सभी के उनसे मैं सहमत हूँ। इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पीड़ित तो है पर अगर इसकी चंद्र कुंडली आप देखते हैं तो उसमें इसका सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉर्ड ठीक है, एट्थ हाउस एट लॉर्ड भी ठीक है, मतलब जो विवाह वाली चीजें हैं चंद्र कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चीजें सही बनती है। चंद्र कुंडली में भाव मतलब सप्तम भाव पर कोई मैलिफिक प्रभाव नहीं है, सप्तमेश मंगल पर भी कोई ऐसा मैलिफिक प्रभाव नहीं है, अपने मित्र के घर में है और सेकंड हाउस भी देखा जाता है। मंगल डेबिलेटेड होगा ना, नहीं डेबिलेटेड ठीक है वो सिर्फ मतलब वैसा और कोई प्रभाव उस पर वैसा उस तरीके का नहीं है। थर्ड हाउस में मंगल ठीक होता है, थर्ड हाउस में होना अच्छा माना जाता है तो मुझे उम्मीद की किरण लगती है इसमें जो पॉसिबिलिटी अगर बनेगी इनकी तो अभी इनकी जो शनि 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 की चल रही है कॉम्बिनेशन, जब राहु की आएगी आज से मतलब उसके बाद गुरु की आएगी तो राहु और गुरु का समय अभी से ढाई साल बाद शुरू होगा और जब ये शुरू होगा तो इस समय शनि जो वर्तमान में कुंभ मकर राशि में है वक्री होकर के और कुंभ में आ जाएंगे दो महीने बाद और उसके ढाई साल बाद वो आ जाएंगे मीन राशि में और उस समय गुरु जो अभी मीन राशि में है वो उस समय आ जाएंगे वृषभ राशि में, यानी उस समय शनि और गुरु दोनों का संबंध इनके सप्तम भाव और सप्तमेश से बन जाएगा। तो जो शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट वाली हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं किसी कार्य के फलित वाली अच्छे अनुकूलता के लिए तो उस समय एक संभावना बन सकती है। आप कह रहे हो 2000 कौन से सन में 24 मैं कह रहा हूँ 2000 हाँ 24 के सेकंड हाफ में हाँ 24 के सेकंड हाफ में ठीक है। शनि आपका शिफ्ट हो जाएगा 12 नंबर राशि में आ जाएगा 12 नंबर में जी। तो 12 नंबर में जब शनि आ जाएंगे तो यहाँ से सप्तमेश को और सप्तम भाव दोनों को देखेंगे ठीक और है। उस समय गुरु जो है वो द्वितीय वृषभ राशि में आ जाएंगे तो सप्तम भाव में वो स्वयं आ गए तो शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट इस समय सप्तम भाव और उसको दोनों को अफेक्ट करेगा। इनफैक्ट गुरु भी सप्तमेश को भी देखेंगे मतलब दोनों जने उस समय सप्तम भाव और सप्तमेश से संबंध बना रहे होंगे ट्रांजिट और उस समय महादशा प्रत्यंतर दशा उस समय राहु की चल रही होगी जो विवाह करवाने में सहायक रहते हैं और उसके बाद गुरु की चल रही होगी तो उस पीरियड में कुछ संभावनाएं बन सकती है। अच्छा ठीक है ठीक है। सर एक पॉइंट हाँ शर्मा जी बोलिए प्लीज। हाँ सर इसमें बस एक बाकी तो सारे राजेश जी ने देसाई साहब ने मनीष जी ने सब कवर कर दिए लेकिन एक पॉइंट और भी है ना सर कि शादी के लिए सूर्य को भी देख लेते हैं
अदर देन जुपिटर लड़की के लिए लग्न को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं, कैसा ऐसा ठीक है क्या सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो सूर्य की पोजीशन भी इनकी ना होने के लिए बहुत, क्योंकि सूर्य दोनों जगह D1 में भी और D9 में भी उसकी पोजीशन भी खराब है सूर्य की, तो ना होने का तो एक रीजन ये भी है सर। बाकी जो 24 में शनि का गोचर आएगा सर, जब वो सप्तम को देखेगा तो उस पॉइंट को तो वो भी समझ में आ रहा है कि 24 के आसपास इनकी 24 के सेकंड हाफ में अगर तो ट्राई करेंगे तो थोड़े बहुत चांस बनते हैं। मैं बताऊं इसको, देखिए जैसे इन्होंने अभी बताया था चंद्र से देखेंगे, लेकिन आप तीन अलग अलग से वे से आप देखते हैं, एसेंडेंट से देखेंगे, अब चंद्र से देख रहे हैं तो उनका उनकी इच्छा है शादी करने की। चंद्र से मेनली मन आपका क्या, मन क्या बोल रहा है, शादी करने की इच्छा है, बिल्कुल इच्छा है वो दिखा रहा है, लेकिन वो फलीभूत हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा में से क्या आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे क्योंकि नवमांश भी आपको क्या सिग्नल दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, मतलब नेगेटिव दे रहा है। एसेंडेंट उससे आप लग्न उससे इससे देखने जाएंगे तो क्या बोल रहा है, वो भी नेगेटिव दे रहा है। इसलिए ये जो इन्होंने बताया चंद्र से बराबर है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद बहुत ही कम लग रही है, बहुत ही कम। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा इसमें? सर मैं पांचवी भाव का बता रही थी, एक्चुअली म्यूट हो गया तो। हाँ, बोलो बोलो। पांचवा भाव जो है उसके स्वामी और कारक दोनों ही जाके छठे भाव में बैठ गए हैं, और इधर D9 में भी जाके वो 12वें भाव में बैठ गए हैं, तो यहाँ भी चांसेस नहीं लग रहे इनकी शादी के। अच्छा, बात ही बनने के चांस नहीं लग रहे। दूसरा वो वक्री भी हो गए ना सर, शुभ ग्रह का वक्री होना मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं होता है ना सर। मेरा भी एक पॉइंट है कि हाँ, जैसे अभी इस वक्त जो है जो शुक्र है वो सिंह में चल रहे हैं, तो सर अब जो है वो 2 महीने बाद जो है तुला में आ जाएंगे शुक्र, तो काल पुरुष की कुंडली में ये 7वें हाउस को तो इफेक्ट करेगा, तो क्या ये भी हो सकता है कि 2 महीने बाद कुछ अच्छे चांसेस हो शादी के? वैसे तो ये डिले ऑफ चार्ट दिख रहा है इस कुंडली के अकॉर्डिंग, बट सर 1-2 साल में लग तो रहा है कि अगर ये पूरी कोशिश करे तो शादी हो सकती है। अच्छा, आपने शुक्र से इसका लिया है? यस सर। सर अब गोचर में 2 महीने बाद आएंगे। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपको क्या मतलब आपके योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो आपकी कुंडली बताती है, और वो योग आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो गोचर बताएगा ना। तो इन्होंने जो बताया तो गोचर में है, यदि योग बनते तो वो उस टाइम पे वो गोचर के हिसाब से हम उसको फलीभूत कर सकते थे ना, ऐसा होता। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप लोगों ने करा है इसको। सर एक मिनट लेंगे सर। हाँ बोलो 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 बोलो। फीमेल की कुंडली में सर मंगल को भी शादी का कारक के तौर पे देखते हैं मतलब गुरु के अलावा मंगल को भी देखते हैं, तो खैर मंगल के इस केस में लग्नेशी है, वो हम लोग ऑलरेडी एनालाइज कर लिए, उसमें कुछ कहने को बचा नहीं। राइट सर, ठीक है, वेरी नाइस, सब लोगों ने बहुत अच्छा देखा, इसमें मेरे लिए बोलने लायक कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंक्लूड इसे कर देता हूँ कि क्या उसको बताया गया था, क्या आपसे बोला गया था कि देखिए सातवें भाव को अगर हम देखें, सातवें भाव पे राहु और शनि दोनों की दृष्टि है। सातवें भाव पे राहु और शनि की दृष्टि है, राहु शनि दोनों सेपरेटिव ग्रह होते हैं, और सातवां भाव राहु केतु एक्सिस में भी है, पांचवा भाव राहु केतु एक्सिस में है, सातवें भाव पे राहु केतु की दृष्टि है, और कारक गुरु जो है इसका वो आपका 8वें भाव में बैठा हुआ है, और D9 के अंदर भी वो 12वें भाव में चला गया है केतु के साथ बैठा हुआ, तो यहाँ ये पीड़ित है। अगर 7H को आप लगन बनाते हैं, 7वें भाव को आप लगन बनाते हैं, तो 7वें भाव को आप लगन बना के देखिए, मैंने कहा जिस भी भाव से आप देख रहे हैं उस भाव को लगन बना के भी एक बार आप चेक कर लीजिए, तो उससे 6ठे भाव में तो 2 पाप ग्रह आते हैं, 8वें में नहीं है, 12वें में नहीं है, तो ये इतना ठीक है, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि हम कारक को लगन बना के देखें, कारक बनता है गुरु 7वें भाव का, कारक को लगन बना के अगर हमने देखा तो गुरु से 6ठे भाव में कोई ऐसा नहीं है, 8वें भाव में भी कोई ऐसा ग्रह नहीं है, 12वें भाव में चंद्र है, यहाँ भी कोई ऐसा ग्रह नहीं है, इतना मतलब यहाँ वो पीड़ा नहीं दिखा रहा है, बट 7वां भाव पे राहु शनि की दृष्टि है, और आपका गुरु जो कारक है
वो आपका आठवें भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारी इनको आ रही है, इसलिए डिले शादी में इनकी हो रहा है। पांचवा भाव भी इनका देख लीजिए, सगाई के लिए पंचम भाव होता है। पांचवें भाव का अगर आप लगन बनाते हैं, पांचवें भाव को आप लगन बना के देख लीजिए, कुंडली को इस भाव पे घुमा के आप देखिए, पांचवें भाव को आप लगन बनाते हैं तो पांचवें भाव से छठे भाव में और आठवें भाव में दो जगह पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो पांचवा भाव पीड़ित है इनका पांचवें भाव से लगता है, क्योंकि छह आठ बारह में किसी भी भाव से छह आठ बारह में अगर ग्रह बैठे हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कम से कम दो में पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो वो भाव पीड़ित कहलाता है। तो हर भाव से जब भी किसी भाव की स्टडी करें तो उससे छठा आठवां बारहवां भी एक बार चेक कर लें, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और इसको एक बार हर बार चेक करना चाहिए, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। सर दूसरा उनका आपने जैसे बताया था कि जो जन्म के टाइम पे कौन सी दशा, वो भी तो इम्पोर्टेंट। नहीं, बता रहा हूँ तो पांचवे भाव को हमने जब ये बनाया तो लगन बनाया तो पंचमेश, पांचवे भाव में पंचमेश को अगर आप देखिए, जैसे मनीषा जी ने कहा पंचमेश कौन है, पांचवे भाव का गुरु है, गुरु आठवें भाव में बैठा हुआ है, पंचमेश आठवें भाव में बैठा हुआ है, गुरु डी नाइन के अंदर भी बारहवें भाव में चला गया है, तो पंचमेश भी पीड़ित है, पांचवा भाव भी पीड़ित है। फिर जैसे देसाई साहब ने बताया था कि जन्मकालीन दशा के बारे में, अगर आप जन्मकालीन दशा इनकी देखें तो चंद्र में बुध की दशा है, चंद्र में बुध की दशा इनकी है, और चंद्र में बुध का षडाष्टक का एक्सिस है, छह आठ का एक्सिस है, और षडाष्टक भी जो बन रहा है वो भी कोई केंद्र त्रिकोण से नहीं बन रहा, सातवें भाव से षडाष्टक बन रहा है, तो सातवें भाव इन्वॉल्व हो जाए षडाष्टक में तो सातवें भाव संबंधी रिजल्ट काफी खराब होंगे, ये बात तो इसमें नजर आती है। फिर एक इसमें आप ये चीज देखिए, क्योंकि लेडी की कुंडली है तो मेल प्लैनेट्स को भी आपको नजर डालना है। अब उम्र भी देखनी है अपनी, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से 1977 है, इतना दशाएं तो बहुत आई होंगी इनके जीवन में जब शादी हो सकती होगी, क्योंकि शनि की दशा चल रही है तो उससे पहले गुरु की दशा भी आई होगी, उससे पहले भी दशा इनकी रही होंगी, तो ट्राई किया होगा, नई शादी हुई, तो उसके उसके रीजन यही रहे हैं। अब अगर आप अब देखें इनका मेल प्लैनेट्स, तो सूर्य गुरु मंगल होते हैं, पुरुष की कुंडली में चंद्र और शुक्र पीड़ित हो तो उसको वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता, और स्त्री की कुंडली में सूर्य मंगल गुरु पीड़ित हो तो उसको भी वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। सूर्य इसमें अपना वट से कि नीच की राशि में बैठा हुआ है और बारहवें भाव में है, गुरु आठवें भाव में है, डी नाइन के अंदर भी बारहवें भाव में बैठा हुआ है, और मंगल अगर आप देखें तो मंगल केतु से ध्रस्त है, डी नाइन के अंदर आठवें भाव में है, और मंगल जो है वो भी आपकी नीच की राशि में बैठा हुआ है, चार नंबर राशि में, तो तीनों ग्रह ये भी मतलब मजबूत नहीं है, ये तीनों ग्रह भी थोड़े पीड़ित हैं, जिसकी वजह से इसकी जीवन में ये दिखाई नहीं पड़ता कि शादी इनकी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उम्र भी इनकी बहुत हो गई है, 45 साल की उम्र हो गई है, और अब दशा भी इनकी अगर आप देखें तो दशा कौन सी इनकी दशा ऐसी बैठती है जिसमें ये ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। शनि की दशा में ट्राई कर सकते हैं, शनि की दृष्टि सातवें भाव पे है, लेकिन शनि जो है वो शादी से मतलब डिटैच करते हैं, डिले करते हैं। तो ये चक्कर है कि जिसकी वजह से इनका इनको तो हमने तो यही कहा कि भैया अब काफी टाइम हो गया है, अब अगर ज्यादा मतलब वो ना हो, क्योंकि उनके दिमाग से भी बहुत ज्यादा लग रहा था कि मतलब घर वाले तो प्रेशराइज कर रहे थे कि शादी कर लो, और वो लेडी जो थी वो शायद इंटरेस्टेड नहीं थी इतनी ज्यादा, बात करने से लग रहा था उनकी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन घर वालों को बता दिया कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और चांसेस बड़े ब्लीक दिखाई पड़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि तीनों पुरुष ग्रह ही पीड़ित हैं, अगर हो भी जाती है जबरदस्ती या किसी से करवा भी देते हैं तो हो सकता है शादी के बाद मैरिड लाइफ जो है वो उनकी सक्सेसफुल इतनी ना रहे। ठीक है, तो ये कुंडली हम लोगों ने समझी, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक देखा इसको। सर ये आप हर भाव से 6-8-12 की स्टडी क्यों करते हैं? देखिए हर भाव से 6-8-12 आप जरूर देखिए, हर भाव से 6-8-12 देखेंगे तो अगर हर भाव से 6-8-12 में पाप ग्रह होंगे या पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, उनमें से दो ग्रह के अंदर भी कम से कम होगा, तो उस भाव की हानि होगी, तो किसी भाव की हानि अगर आपने देखनी है तो उस भाव से 6-8-12 में भी प्रभाव देख लीजिए कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है या कैसा प्रभाव है, प्लस उस भाव के कारक से भी 6-8-12 देख लीजिए, जिस भाव से 6-8-12 देखा उस भाव के कारक से भी 6-8-12 देखिए, अगर वहां भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है दो भावों में कम से कम, तो उस भाव की हानि होती है,
ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाव हानि हुई, कारकत्व हानि हुई, किसी भी ग्रह से या किसी भी भाव से आप अंदाजा लगा चलिए 6-8-12 में अगर पाप ग्रह बैठे हो तो उस भाव की हानि होती है। लग्न से 6-8-12 में पाप ग्रह बैठे हो तो लग्न की हानि होती है। सिंपल सिंपल सिद्धांत ये वाला आपको लेके चलना है और इसमें कोई ऐसी चीज खास इसके अंदर नहीं है। तो सर आपके अकॉर्डिंग इस लेडी की अब शादी होनी बहुत शादी के चांस बहुत ब्लीक है इसके, मतलब करवा भी दिए तो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि पुरुष ग्रह कमजोर है ना और उम्र बहुत हो चुकी है, ऐसी उम्र में शादी को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी सर बच्चे के उसमें भी इश्यू है। हाँ तो शादी होगी तब भी आप देखिए राहु के तो वो भी इश्यू आते रहेंगे और वैसे मतलब थोड़ा सा इनका क्योंकि शादी चलेगी इतनी नहीं, पुरुष ग्रह सारे पीड़ित हो गए, पुरुष ग्रह जरूर देख लेने चाहिए स्त्री कुंडली के अंदर खास तौर से और पुरुष कुंडली में स्त्री का। ओके ओके, मतलब शुक्र और चंद्र देखने का ना लड़के की, पुरुष की में शुक्र चंद्र देखने का। दूसरी कुंडली हमारी ये है, ये कुंडली है 7 जुलाई 1990 की, इस 10:50 शाहजहांपुर यूपी से ये कुंडली आई थी, शाहजहांपुर यूपी से है, 7 जुलाई 1990 आप लोग नोट कर सकते हैं, 10:50 शाहजहांपुर यूपी। इनकी सगाई थी 10 फरवरी को और वो सगाई एंड मोमेंट पे टूट जाती है, तो आप लोग जरा देखिए कि क्या रीजन रहा होगा। ये तो मेरी कुंडली का एक दो पॉइंट शुरू में मैं बोल दूंगा सर जो मेरी समझ में आते हैं फिर। हाँ, पहले आप जस्ट एक मिनट देख लो फिर अजय जी बोलेंगे। हाँ सर, फिर ध्यान से सुनूंगा सर सबका। पर निवेदन हाँ। ये है कि हम लोगों को थोड़ा बैलेंस बोलने दे दिया जाए पहले, फिर ये लोग जो सीखे हुए हैं उनके बाद में आप ही बोलिए पहले, बराबर है ना। हाँ, हम लोगों थोड़ा हाँ, आप लोग आप नहीं सही है, आप बोलिए फिर जो बचेंगे कमेंट दे देते हो फिर क्या बस। नहीं सही है नहीं प्लीज देखिए आप लोगों की फोटो मुझे सबकी दिखाई नहीं पड़ रही है, जो छूट जाए वो अपना बता दे। हर आदमी ने पार्टिसिपेट करना है, तभी फायदा है इसके अंदर। सर इनका क्या कहना है कि हम लोग बोलने के उनको भी वही बोलना होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो लेट देम स्पीक फर्स्ट, मैं है या हम जो दो तीन है हम बाद में लास्ट में बोलेंगे कुछ बचा तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है ना, कोई इश्यू नहीं उसमें है ना। ये हम जो पहली कुंडली हम तीनों ने बोला है ना उसके अलावा जो है उनसे ही बुलवाइए पहले आप। नहीं पहली कुंडली लगानी है दोबारा से बताइए। नहीं इस कुंडली में सर, इस कुंडली में ये है कि इसमें सगाई इनकी हुई थी 10 फरवरी को और सगाई होने पे लास्ट मोमेंट पे ये सगाई इनकी टूट गई, तो ये क्या रीजन रहा होगा या कैसे इस चीज को हम लोग देखें कि भाई ये सगाई इनकी 10 तारीख को टूट गई, 5 फरवरी में शायद सगाई इनकी हुई थी, 5 या 6 फरवरी में, 10 फरवरी को सगाई टूट गई। 10 फरवरी आपने बोला है सर। हाँ, 10 फरवरी को सगाई टूट गई इनकी। सर 10 फरवरी कौन सा ईयर? 22। अच्छा, मैं ये मैंने देखो दशा भी लगा रखी है, चंद्र में शनि में केतु में लगा भी। सर मैं बोलूं सर थोड़ा सा? हाँ शर्मा जी बोलिए। सर एक सगाई है तो सगाई के लिए पांचवा भाव देखा जाएगा सर जी। तो पांचवे भाव को अगर हम लोग देखते हैं तो जितना समझ में आता है क्योंकि पांचवा भाव एक तो राहु केतु एक्सिस में है तो भाव थोड़ा सा वीक है, प्लस पांचवे भाव का जो कारक है जुपिटर, तो जुपिटर को भी हम लोग इतना, एक मिनट मैं बोल लू एक मिनट। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये जो पांचवा भाव है सर राहु केतु एक्सिस में है सर, और सबसे बड़ी बात क्या है सर जो इसमें समझ में आती है कि राहु केतु एक्सिस होने के बाद जो एकदम पहली नजर में ये दिखाई दे रहा है कि जो सगाई की टाइमिंग थी सर, सगाई क्योंकि केतु क्या करते हैं सर, कोई भी इवेंट हो उसको केतु डिटैच करने की भी कोशिश करते हैं, जो सगाई की जो टाइमिंग बताई है उस समय पर जो ग्रह की दशा चल रही है सर वो केतु की प्रत्यंतर चल रही है सर, और केतु की दृष्टि भी इस पर है, उसी में इनकी सगाई हो गई, तो इसलिए सगाई को लंबे समय तक रखना थोड़ा सा इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सर। तो ये सर देखने में समझ में आया। सर आपने ये 10:50 AM रखा है या PM लिया है? 10:50 AM है, PM होगा तो फिर वो वैसे होगा 22:50 होगा। ओके हाँ चलिए, कौन रह गया था पिछली बार बोलिए। हाँ सर, मैं थोड़ा बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज, जो जो रह गया है सब लोग बोलिए। कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न शनि से पीड़ित है।
लग्नेश बुध जो बैठे हैं वो स्वयं की राशि में बैठे हैं गुरु सूर्य के साथ, लेकिन शनि चंद्रमा से दृष्ट है। हालांकि सगाई के लिए पंचम देख रहे हैं, लेकिन शादी सगाई कन्वर्ट हो शादी में तो उसके लिए सप्तम भी देखेंगे जी। तो सप्तम तो हालांकि पीड़ित नहीं है, लेकिन राहु केतु एक्सिस में है और सप्तमे जो गुरु है उस पर चंद्रमा और शनि की जो विष योग बन रहा है उसकी दृष्टि है। और जब इनकी सगाई हुई थी आपने बताया है उस समय ये विष योग था, चंद्रमा में शनि की दशा चल रही थी 21 से 23 के बीच में, तो ये मेंटली इस तरह से हो गए और सगाई जो है इनकी रही नहीं और टूट गई। गुड, तो मैं भी बोलू? हाँ बोलिए 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 प्लीज सर। सगाई जो है पंचम भाव से ही देखी जाती है, जो पंचमेश है अपने से 12 होकर बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, वहां पर वो अपना विषयोग भी बना रहा है चंद्रमा के साथ। और सर यहाँ का जो कारक है जो है गुरु वो भी अपने से छठे होकर बैठे हुए हैं। और अगर हम दशाओं की बात करें, और ये राहु केतु एक्सेस में भी है, और दशाओं में भी अगर हम बात करें तो वो भी इससे कुछ नहीं है, लास्ट के जो पर्यंतर जो केतु की है सर कहीं ना कहीं यही इसका सेपरेशन का कारक बन रही है। सर शनि केतु की एक्सिस भी 6-8 का है, शनि केतु को एक्सिस भी 6-8 का है, वेरी नाइस। सर चंद्र सर तभी कहते हैं सर केतु और राहु की उसमें, राहु में तो फिर भी कह देते हैं शादी या कर लो, केतु में तो बड़ा ऑब्जेक्शन रखते हैं कि इसके आसपास ना हो कुछ काम। राहु में तो सगाई शादी हो जाती है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। केतु डिटैच करते हैं सर, और इनसे जैसे अभी आपने रूल बताया कि पांचवे से अगर हम छठा और बारवा, आठवा तो ठीक है, लेकिन 6 और 12 दोनों पीड़ित हैं, दोनों पाप ग्रह बैठे हैं, छठे में भी बैठे हैं और 12 में भी बैठे हैं, तो इसलिए वो वाक ये वाला थोड़ा वीक हो गया। और एक्चुअली इनकी टाइमिंग थोड़ी सगाई के लिए गलत थी सर, जो एक्सेस गलत आ गया ना उसकी वजह। अगर केतु के अलावा ये किसी और उसमें करते, थोड़ा 1-2 महीने आगे पीछे करते तो शायद इनकी सगाई को रखा जा सकता था, लेकिन ये केतु में तो फिर प्रॉब्लम होती है सर, ऐसा लग रहा है। और सर मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने ही शायद ये जो है रिश्ते में कुछ गड़बड़ देखी होगी, कभी ये कुछ हुआ है। दूसरा सर इनके दोनों जो अब ये मेल की कुंडली है मेरे हिसाब से, हाँ मेल की कुंडली है, बराबर है। आप देखिए शुक्र और चंद्र दोनों पीड़ित है, जो फीमेल प्लैनेट्स है दोनों पीड़ित है। शुक्र अपने मूल त्रिकोण से कौन से भाव में है, देखिए 8वें भाव में गया है मूल त्रिकोण राशि से, 8वें में है लेकिन स्वयं राशि में है, ना ज्यादा पीड़ित नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी उस पे तो राहु का तो आ गया ना, राहु की दृष्टि आ गई, राहु की दृष्टि तो आ ही गई। तो वैसे भी ये दोनों जब फीमेल वो पीड़ित है तो कुछ फीमेल रिलेटेड उसकी लाइफ में कुछ इश्यू के आसार दिख रहे हैं। इसको पाप कत्री में मानेंगे शुक्र को, जैसे इधर मंगल नहीं, गुरु है ना, नहीं उधर गुरु बैठा है ना, गुरु है ना इसलिए नहीं आएगा, लेकिन इफेक्ट है इसके ऊपर, ये बात तो है। बुध अशुभ हो गया है ना सूर्य के साथ जाके, दो उदाहरण तो अच्छा है नहीं, गुरु बुध अशुभ हो गया पर गुरु गुरु बैठा है वहां पे, गुरु की वजह से नहीं, पर उसके बावजूद भी फिर भी हाँ आप मान सकते हैं कि पाप प्रभाव है, क्योंकि सर गुरु अस्त है, सर गुरु अस्त है तो 50% है सर। हाँ और कोई जो छूटा है कुंडली का, तो देखिए शादी तो उसकी होनी है, रहेगी उतना वैसे दिक्कत नहीं आएगी आगे, लेकिन उस दिन इसकी जो सगाई टूटी, अगर आप उस दिन का पंचांग देखते हैं तो उस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में, जो कि इसके जन्म चंद्रमा से छठे भाव में बनते हैं, और किसी मुहूर्त का ही जो बेसिक कुछ नियम जो हम पालन करते हैं कि व्यक्ति का गोचर का चंद्रमा उसके जन्म चंद्रमा से 6-8 में नहीं होना चाहिए, कोई जो कार्य वो कर रहा है तो वो अपने से चूंकि छठे में गए हैं, एक तो उसमें वहां पर संभावना किसी कॉन्फ्लिक्ट की बनानी थी उस मुहूर्त में, 10 फरवरी 2022 का जो मुहूर्त बनता है। दूसरा उसका जो तिथि है, नवमी तिथि है, दिन गुरुवार का है, तो नवमी तिथि जो है वो 9 नंबर रिक्त तिथि में आती है,
तो वो तिथि वाले हिसाब से भी उस दिन का मुहूर्त उस काम के लिए उचित नहीं था। तो ये दो पैरामीटर रहे, मतलब कुंडली से ज्यादा उस दिन के मुहूर्त की और जो केतु की, तो खैर प्रत्यंतर दशा वाला जो सभी ने बोला है वो तो है ही है, बट उस दिन का विशेष मुहूर्त अगर हो सकता है वो कुछ एक उसका संशोधन अगर हो जाता तो ठीक रहता। ये 10 फरवरी 22 का गोचर है ये। तो ये राहु चंद्र राहु के साथ आ गया पहले तो ना। ये 10 फरवरी 22 का गोचर है तो यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब जिस दिन रिश्ता टूटा है ये उस दिन की गोचर कुंडली है 10 फरवरी 2022। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि गोचर का जिक्र किसी ने किया, अच्छा जिक्र किया आपने, लेकिन इसको आप देखिए जरा थोड़ा सा गोचर कुंडली को देखिए आप लोग सभी एक बार, क्या इससे कुछ निष्कर्ष निकलता है? मैंने बताया था आप लोगों को गोचर में क्या क्या चीज देखनी है। सातवें भाव पे शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, पंचम में शनि लेकिन स्वग रही है, तो शनि और केतु की दृष्टि आ रही है सातवें भाव पे, इस वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हुई। मंगल की भी आ रही है चौथी दृष्टि। सर केतु की दृष्टि मानने के लिए आपका क्या ओपिनियन है, मतलब आप उसको कंसीडर करते हो क्या? मतलब केतु का तो सर ही नहीं है तो वो दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा किसी का बैठक कम है, तो ऐसा लोग बोलते हैं दृष्टि तो। तो वैसे तो राहु केतु दोनों में ये है, क्योंकि राहु केतु एक एक इमेजिनरी है ना, राहु का शैडो है, वो शैडो है तो आप उसका सर है तो नहीं, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, लेकिन वो शैडो है। अब ऐसा लॉजिक देखने जाएंगे तो शैडो जो खुद शैडो है उसका कहां से शैडो आएगा या उसकी दृष्टि कहां से आएगी? अपना जो शैडो है उसकी दृष्टि कभी हो सकती है? राहु केतु दोनों शैडो प्लैनेट्स है, दे आर नॉट प्लैनेट्स एक्चुअली, दे आर जस्ट पॉइंट। आप दृष्टि मानते हो उसमें, मैं पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, मतलब मेरा ये है, मैं जनरली मैं इतना नहीं उसको मानता था, लेकिन अब लेकिन असर होता है कि राहु केतु का नहीं, दृष्टि इनकी मान गया, मेडिकल के अंदर भी दृष्टि इनकी मानी जाती है, बड़े इमेजिनरी पॉइंट हो लेकिन दृष्टि आपको इनकी लेनी है। राहु केतु बुरा असर होता है इनकी दृष्टि का। हां मेडिकल के अंदर तो बहुत इस्तेमाल होता है इसका, जब मेडिकल पढ़ेंगे हम लोग मेडिकल में करते हैं। राहु केतु की दृष्टि मतलब आपको मेडिकली जब रोग देती है, इलनेस देती है, तो उसका होता है दृष्टि तो असर डालती है, फिर एक में लिया तो दूसरे में भी तो आएगा ही आएगा ना। हाँ, तो दृष्टि असर डालती है, तो दृष्टि आप इसकी लीजिए राहु केतु की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पांचवा आप इसमें ये देखिए कि अगर आप कुंडली ये देखें, और कोई छूटा है जो जिसने नहीं बोला है? नहीं सर, मैं तो नहीं बोला। हाँ आप बोलो सर, सारे पॉइंट तो कवर हो चुके हैं। हाँ, कोई और ऐसा पॉइंट लगता हो जो आपको इसमें एडिशन लगता हो? नहीं, वो D9 में भी सेम सिचुएशन है सर, राहु केतु एक्सिस में ही है तो भी मतलब कोई बहुत अच्छा वो नहीं लग रहा है। गोचर से कुछ लगता हो? अब ये है कि अगर होना है तो अब कब होगा, अगर ये नहीं कॉम्बिनेशन है तो चंद्रमा में शनि शुक्र आएगा तो भी वही सिचुएशन बनेगी। शुक्र थोड़ा से पॉजिटिव है तो ये मतलब एक योग, शुक्र तो अच्छे है इस कुंडली में, योग कारक होते हैं और अच्छे पोजिशन में तो बढ़िया है, तो अब चंद्रमा में शनि में शुक्र तो वो भी बहुत वो तो पीरियड गया ना, वो भी पीरियड गया और उसमें भी बहुत अच्छा, तो कोई षडाष्टक और वो सब सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब चंद्रमा में शनि है, शनि में फिर सूर्य, चंद्रमा में शनि में सूर्य, सूर्य 12th लॉर्ड है तो उसके लिए भी बहुत नहीं, लेकिन चंद्रमा में शनि में गुरु जो है ना, हाँ वो नीचे जब आएगा 2023 में तब हो सकता, तब कुछ चांस मुझे लग रहा है। गोचर में, गोचर के हिसाब से तो पांचवे भाव में शनि भी बैठ गए 2023 बुध भी थे, तो बुध भी नेगेटिव ही हो गए शनि और सूर्य के साथ, तो तीनों ही पांचवे भाव में उस समय पर, गोचर तो ठीक नहीं है सर पांचवे भाव का सगाई के लिए, ये तो सगाई तो, लेकिन अब ये जो बता रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं कि कब होगा, ये तो नहीं हुआ,
होगा मतलब अर्ली 2023 मतलब जो गुरु का ट्रांजिट नहीं हो सीरीज में उससे पहले हो जाएगा तो वो पीरियड बनता है मतलब जो दो जनवरी 2023 का डेट है और गुरु का ट्रांजिट एरीज में होने से पहले वो जो बीच का पीरियड है उसमें बहुत अच्छे चल नहीं वैसे फिर तो बुध की अंतरदशा होगी तब भी कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि वो लगने से काफी निकलेंगे सर बस हमें लगने से क्या भी टूटी क्यों टूटने के लिए गोचर देखते हैं तो वो थोड़ा दिक्कत है टूटने के लिए तो केतु रिस्पॉन्स आप देखिए कि पांचवा भाव होता है सगाई के लिए पांचवा भाव आपका राहु केतु एक्सिस में है और चंद्र शनि और केतु की दशा चल रही थी शनि केतु जो है वो 6-8 के एक्सिस में बन रहे हैं षडाष्टक के एक्सिस के अंदर है शनि केतु पांचवा भाव जो है केंद्र में है अपने से 12वां गया हुआ है पांचवें भाव का स्वामी केतु की दृष्टि तो सातवें भाव पे आई रही है वो तो राहु केतु एक्सिस में है पांचवें भाव पर केतु की दृष्टि तो आई रही है उसमें कुछ नहीं है। पांच एच को अगर आप लगन बनाते हो जैसे मैंने कहा कि जिस भाव से संबंधित आप चीज देख रहे हो उसको लगन बना के भी एक बार चेक कर लो। पांच एच को अगर आप लगन बनाते हो तो पांच एच से छठा आठवां बारहवां भाव अगर आप देखें अगर आप छठे भाव में पाप ग्रह है बारहवें भाव में पाप ग्रह है आठवां भाव थोड़ा जरूर बसता है लेकिन दो में पाप ग्रहों का अशुभ प्रभाव है तो इसलिए पांचवां भाव पे अशुभ प्रभाव आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सूत्र में आपको बताता हूं जो सूत्र शायद आपने कभी नोट ना किया हो उसको आप नोट कर लीजिए कि भावेश और प्रत्यंतर दशानाथ या जो भी दशानाथ है आप उसको भी देखिए भावेश कौन है इस कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी है शनि प्रत्यंतर दशानाथ कौन है या अंतर दशानाथ कौन है उसको जरूर चेक करिए। भावेश का किसी भी भावेश का अंतर दशानाथ से या प्रत्यंतर दशानाथ से एक्सिस जरूर चेक कीजिए अगर वो 6-8 का है तो उस भाव की हानि होती है तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि भावेश वे अंतर दशानाथ का एक्सिस हर भाव से चेक कीजिए आप। अगर धन भाव से अंतर दशानाथ का एक्सिस खराब है इट मीन्स धन के लिए प्रॉब्लम है पराक्रम भाव से अंतर दशानाथ एक्सिस खराब है तो पराक्रम के लिए प्रॉब्लम है तो हमेशा अंतर दशानाथ या प्रत्यंतर दशानाथ जो आपका है उसका एक्सिस चेक कर लीजिए कि आपके डिफरेंट भावों से कैसा है। तो ये जब ये देख रहे थे अपने जब भी ये टाइम है उस दशा में भावेश का एक्सिस भी ठीक नहीं है। गोचर में अगर आप देखें गोचर में हम लोग क्या क्या चीज देखते हैं लग्नेश देखते हैं कि लग्नेश पीड़ित तो नहीं है तो लग्नेश क्या है लग्नेश इसमें बुध बनता है गोचर में बुध जो है वो लगन के अंदर ही बैठा हुआ है क्या पीड़ित है सूर्य के साथ है वो तो सूर्य के साथ तो रहता ही है ना वैसे महादशानाथ आपका जो बनता है वो चंद्र बनता है चंद्र आपका राहु केतु एक्सिस में है चंद्रमा आपका राहु केतु एक्सिस में आ गया गोचर में ना सर गोचर में गोचर में बात कर रहे हैं अंतर दशानाथ शनि बनता है और शनि जो है वो भावेश भी है पांचवें भाव का स्वामी भी है शनि सूर्य के साथ आता है और सूर्य से अस्त हो जाता है तो उससे क्या है कि जब कहते हैं ना तारा अस्त हो तो शादी नहीं करनी चाहिए या ऐसा कुछ बोलते हैं अब जब भावेश ही अस्त हो गया बाई चांस गलती आपकी नहीं है इसके अंदर मेरी गलती है कि मैंने इस पर डिग्री नहीं लगाई तो आप शायद पहुंच जाते हैं वहां तक शर्मा जी ने अजय शर्मा जी थोड़ा पहुंचे थे कि शनि साथ में है लेकिन वो हाँ डिग्री में लगा नहीं पाया इसके अंदर तो अदरवाइज डिग्री के हिसाब से भी ये अस्त है शनि इसमें अस्त आ रहा है गोचर में तो जिसकी वजह से भावेश भी अस्त अगर गोचर में हो गया भावेश भी पीड़ित हो गया तो उस भाव की हानि तो संभव है ही है। अगर पांचवें भाव का स्वामी गोचर में पीड़ित है तो पांचवें भाव की हानि है ये देखना ही है आपको तो जिस दिन का गोचर था उस दिन का पांचवें भाव का भी हानि देख लीजिए आप कि पांचवें भाव पे हानि है या नहीं। तो पांचवें भाव का स्वामी जो है शनि वो अस्त है राहु से ध्रस्त है हाँ और गुरु जो है गुरु और शनि का गोचर भी देख लेते हैं कि मंदगामी ग्रह हैं गुरु का आशीर्वाद और शनि का शनि जो है समय के लिए होता है तो गुरु भी शत्रु राशि में है छठे भाव में बैठा हुआ है गुरु का गोचर भी चंद्र से भी गोचर देखें अगर इसका तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हमें मोटा मोटा देख लेना चाहिए कि अंतर दशानाथ का गोचर भावेश का गोचर जो भावेश है जिस भाव की हम बात कर रहे हैं वो गोचर में कैसा है वो गोचर में पीड़ित तो नहीं है गोचर में अस्त तो नहीं है क्योंकि उसके रिजल्ट खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ भावेश भी पीड़ित था गोचर में भी पीड़ित था वैसे भी पीड़ित था तो इसलिए इनकी सगाई
इसमें देखा जाए तो मुहूर्त ना इन्होंने सगाई का वो टाइमिंग जिससे भी टाइमिंग सही नहीं थी, टाइमिंग सही नहीं थी, वो टाइमिंग सही नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। हाँ, उसलिए वो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि शनि केतु जो था दोनों वो 6-8 में थे, पांचवा भाव थोड़ा ऐसा था। अब आदमी इतनी सब चीजें कहाँ ध्यान रखता है, जो जब तक कोई ज्योतिष से साथ नहीं मिलता या कुछ नहीं होता। वो तो शादी सगाई उसने कर दी, अब वो सगाई करी तो टूट गया, तो अब वो अलग चीज इसके अंदर है। तो ये कुंडली समझ में आई आप लोगों को, इसमें किसी को कोई दिक्कत? दीपाली सर, दूसरी एंगेजमेंट कौन से हाउस से देखेंगे फिर? सपोज पहला ये हुआ, एंगेजमेंट सारी एंगेजमेंट पांचवे भाव से देखनी है आपको। और दूसरी एंगेजमेंट जो है, मतलब ये होता है कि पहली एंगेजमेंट टूट गई आपकी। देखिए, अगर पांचवा भाव पीड़ित है तो दूसरी एंगेजमेंट भी पांचवे भाव से ही होगी, लेकिन ये है कि पहली एंगेजमेंट टूटने के चांस हो जाते हैं। बाकी जो एंगेजमेंट है आपको वो भी पांचवे भाव से देखनी है, उसके लिए अलग से कोई भाव नहीं देखना। सर, अगर इस कुंडली में ये जो लोग हैं, अगर ये प्रॉपर मुहूर्त वगैरह का कंसल्टेशन करते तो नेट गड़बड़ हो रहा है, बच जाते हैं। आपका आपका आवाज कट रहा है सर। अब आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए सर, आप आ रही है? सर, मैं कह रही हूँ ये जो मतलब जिनकी सगाई टूटी है, अगर ये प्रॉपर मुहूर्त का कंसल्टेशन लेते तो शायद ये सगाई इनकी बच जाती। तो बचने के चांसेस थे सगाई इनके, क्योंकि गोचर में, अगर देखिए ना, गोचर में सूर्य का इंतजार कर लेते हैं। आप सबसे बड़ी चीज देखिए, कहते हैं ना कि शुक्र अस्त हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, गुरु अस्त हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, ये हम लोग बोलते ही हैं, सब जगह बोलते हैं। अब जो भावेश है, सगाई का भाव का स्वामी है, वही अस्त है, वही अस्त है गोचर में। तो उसका सूर्य निकलने तक का अगर इंतजार होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर तो चलो ठीक है, भावेश पीड़ित है, थोड़ी बहुत आपस में वो होती है, लेकिन सगाई टूटती नहीं, चल जाती, लेकिन भावेश ही अस्त हो गया। सूर्य दूसरी राशि में चला जाता, मतलब नेक्स्ट मंथ किया होता तो। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये भी देखिए, जो पंचमेश आपका है, पंचमेश कौन है इसमें आपका? शनि है, शनि है। गोचर जो है उसमें, पंचमेश में गोचर देखो किसका था, पंचमेश में गोचर जो था वो मंगल और शुक्र दो गोचर कर रहे थे पंचमेश के ऊपर। तो मंगल और गोचर भी शनि के भाव को बिगाड़ेगा, शनि की चीजों को बिगाड़ेगा। तो शनि पीड़ित था उसके अंदर, अस्त भी था, मंगल और गोचर भी था उसके ऊपर, तो वो शनि जो था पीड़ित था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पे। चलिए, वेरी नाइस, आप लोग कुंडली बहुत बढ़िया देख रहे हैं। अब इस पे चलते हैं आगे, एक कुंडली है। एक चीज दीदी, ये सज्जन क्या गवर्नमेंट जॉब में एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें किसी में है क्या? मतलब गुरु सूर्य दशम भाव में साथ बैठे हुए हैं, तो बुद्धि अपने नहीं है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है ये, और जॉब करते हैं। ये आए थे तो इनका यही था कि जी बड़ी मुश्किल से सगाई हुई, और सगाई होती जो सगाई टूट गई, क्या चक्कर है इसका? तो हमने बताया कि भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, मुहूर्त में जरा सी प्रॉब्लम हो गई है, आगे से थोड़ा ध्यान रख के सगाई करो तो हो जाएगा, किसी पंडित से बात करके। तो सर, अगर इसकी शादी कर लेंगे सर, शादी कर लेंगे तो प्रमोशन हो जाएगा सर इनका पास। हाँ ठीक है, शादी के बाद इनकी वर्क प्लेस पे अच्छी स्थिति हो जाएगी, वर्क प्लेस की स्थिति अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगली कुंडली चलते हैं, ये कुंडली है 12 अक्टूबर 2009, एक बच्चे की कुंडली है, 4:21 भोपाल मध्य प्रदेश, शाम को 4:21 है, 12 अक्टूबर 2009 शाम को 16:21 भोपाल मध्य प्रदेश। इसके बारे में आया था कि ओवरऑल कुंडली कैसी है, मतलब जनरल प्रेडिक्शन इसके बारे में पूछी थी। सर, इसमें मेरे से वही समस्या हो गई है, मैंने एस्ट्रो से लिया था, तो इसमें उसने लग्न 11 नंबर का बना दिया है, तो सारा मामला बदल गया। मेरा तो सर लाइट से 11 नंबर का बन गया, 11 आप लोग गलत में सोचिए, लगन 11 नंबर ही है। वो हमने पीछे लगन चेंज किए थे ना, इसलिए वो लगन चेंज हो गया, अलग ही तरह की कुंडली है सर। सर, ये तो 6-8-12 में सारे ग्रह पहुंच गए इनके। इनका देखिए हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, जन्मकालीन दशा कैसी है वो चेक कीजिए, एजुकेशन कैसी है। तो जिन लोगों ने नहीं बोला है पहले वो बोलिए, थोड़ा सा एक मिनट कुंडली देख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी कुंडली है ये, इसमें सभी चीज कवर होती है आपकी।
मैं आता हूँ एक सेकंड में। हाँ क्या नाम है दीपाली, कुछ बोलोगे? यस सर। हाँ बोलो सर। अगर हम लगन की बात करें तो कुंभ लगन है ये, हाँ। तो सर सर भाव भाविष कारक को लगा कर अगर हम देखें तो भाव का जो लॉर्ड है वो अपने ये जो है आठ पे चला गया है, और सर कारक भी यहीं चला गया है सूर्य, तो हेल्थ का तो थोड़ा इशू मेरे को लग रहा है। बट ये है कि बुध जो है अपने ही उसमें बैठा हुआ है राशि में, राशि तो ये ठीक है। बाकी सर हेल्थ का तो इसका इशू थोड़ा बहुत रहता होगा। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए, हेल्थ बोलिए, आगे बोलिए। जो कुंभ लग्न की कुंडली बनी है ये मंगल से सब पीड़ित हो रही है, लग्न जो हो रहा है मंगल से पीड़ित हो रहा है, और लग्न से यहाँ जो शनि है वो अष्टम में चला गया है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा नहीं है, लंबी बीमारी होगी सर। और चूंकि इसकी जन्मकालीन दशा भी शनि में शुक्र की थी, तो ऐसी स्थिति में जन्म से ही इनको बीमारी रही है सर। वेरी नाइस। और चूंकि शुक्र की थी तो इनके पाँव में या कहीं ना कहीं कुछ जो नीचे वाला पोर्शन है वहां तकलीफ रही है सर, घुटना पाव जो ये रहता है वो उस पोर्शन में इनको बीमारी मिली है स्टार्ट में। और कारक सूर्य भी जो है वो भी अष्टम में चला गया, तो दिक्कत तो बहुत ज्यादा ही है इसमें के हेल्थ इश्यूज में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बोलिए, वेल्थ वगैरह बोलिए, कोई धन भाग बोलिए, एजुकेशन बोलिए। सर धन भाव के स्वामी देखा जाए तो एक तो बारहवें भाव में चले गए हैं सर, अब वो तो बार क्या बोले हैं सर, सारे ग्रह ही बारे में है, तो इसमें सर एक चीज क्या दिखाई दे रही है, वैसे तो सर पता नहीं शायद आपने बताया कंसेप्ट मानते नहीं है कि सारे जो एक तरह से काल शब्द दोष है कि सब राहु केतु के अंदर ही है सारे ग्रह सर। नहीं नहीं वो छोड़ दीजिए, हाँ उसको छोड़ देते हैं सर। लेकिन जो धन भाव है ना वेल्थ है सर, वेल्थ का एक तो है कि वेल्थ लाभ भाव जिनका नाम लेंगे बावे में है सर, तो बकरी भी, बकरी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन राहु केतु एक्सिस में है सर भावेश धन भाव के सर, और उस पर जो दृष्टि है सर वो भी सूर्य की शनि की और इन सब की दृष्टि है सर, तो धन भाव भी सर इसमें कुछ कमेंट कर नहीं सकता सर, क्योंकि सारे ग्रह छठ बारे में है सर, तो क्या नहीं। अब मैं बोलूं सर? हाँ बोलो। यदि ये जो है वो बाहर के साथ एसोसिएशन हो उनका जब फ्यूचर में, अभी तो ये छोटा बच्चा है, लेकिन यदि ये फॉरेन से रिलेशन बनाए, फॉरेन से इनकम करे, तो उनका धन वो मिल सकता है। पहली बात, क्योंकि देखिए ट्वेल्थ में राहु है, फॉरेन कारक है, सेकंड लॉर्ड ट्वेल्थ में है वो भी है। अब इनका सिक्स्थ एट्थ और ट्वेल्थ ये तीनों तीन ही भाव है जिसमें सब प्लैनेट्स है, इनको या तो मेडिकल लाइन से
अपनी बीमारी या उससे बचना है तो उनको अलाइन होना पड़ेगा किसी भी तरह से मेडिकल लाइन से। तो जरूरी नहीं, क्योंकि वो देखिए उनका गुरु और बुध भी इतना वो नहीं है, क्योंकि फिर भी वो मेडिकल लाइन से एसोसिएट करेंगे तभी इनको एक तो बीमारी से वो बच सकते हैं, मतलब कम हो सकता है उसका जो है क्वांटम वो कम हो सकता है। दूसरा बाहर, क्योंकि अब 12th हाउस है वो हॉस्पिटल भी है, तो उधर से भी वो बचने का चांस इस लड़के का या जो भी है मतलब इस जातक का वही है कि वो फॉरेन से कुछ ना कुछ लिंक उनको बिठाना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है। तब वेल्थ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब अष्टम में या उसमें जहां बाधा है उनके लाइफ में। तो इन तीनों ग्रह के जो पॉजिटिव, तीनों भाव के जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, जैसे 8th का कि रिसर्च में जाएं, 12th का कैसे ट्राई करें, 6th का थोड़ा सा किसको मिनिमाइज करने के लिए किसी से कर्ज फॉर्मली ले लें जिससे कि थोड़ा सा डाइवर्ट करें भाव की बाकी चीजों को, तो उधर अगर डायरेक्शन रखेंगे तो जो नेगेटिव पॉइंट है उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। मतलब एजुकेशन रिसर्च के लिए जाना चाहिए इनको, इनकम बाहर से आनी चाहिए, इनकम बाहर से आनी चाहिए, ये रहा। Very nice. अब वेल्थ और वो सब क्रिएट हो सकता है उनका। अब मैरिज का करने जाओ तो मैरिज के भाव तो ओके है, लेकिन वो भावेश जो 8th में है, कारक 8th में है, तो वहां पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बाहर से उसका कुछ ना कुछ लिंक बनाएंगे। ठीक है राजेश बोलो। सर ये जरा लग्न वाली कुंडली, हाँ लग्न वाली लगा दी है। लग्न में सर तो इसका सो ही गया, D9 में अगर इसको हम देखें सर तो में जो लग्न है वो अपनी ही राशि में गया, तो वो उसकी क्वेश्चन प्रूव हुई है जो हम बहुत खराब कह रहे थे, इतना खराब नहीं है, अंदर से ठीक है, अंदर से ठीक हो गया है। तो उसकी जो जन्मकालीन दशा जो बहुत खराब जानी चाहिए थी उतनी खराब नहीं गई होगी, थोड़ी इम्प्रूवमेंट। हालांकि शनि 10th हाउस में अपना वो है तो उस हिसाब से ठीक है। सूर्य की देखें, सूर्य ने कुछ प्रोग्रेस किया है, तो सूर्य यहाँ अष्टम में है और वहाँ पे 4th हाउस में है, तो 4th हाउस में राशि की सूर्य की भी पोजीशन अच्छी हुई है, अपनी राशि में गए। तो चंद्र की देखें, चंद्र यहाँ स्वराशि के थे और वहाँ पे पंचम में है, फिर बुध की राशि में है, तो यहाँ सप्तम में थे वहाँ पंचम में है, तो मतलब सबकी पोजीशन अगर देखें, लग्नेश की पोजीशन इम्प्रूव हुई है, सूर्य की भी पोजीशन इम्प्रूव हुई है, तो चंद्र की पोजीशन इम्प्रूव हुई है। तो जो कुंडली हमें लगा था कि अचानक गायब खत्म थी, वो खत्म नहीं है कुंडली, वो नाइन को देखने पे वो कुंडली में जान है, मतलब जीवन चल जाएगा, 20% जीवन चलेगा, मतलब अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा, अच्छा। मैंने बोला ना सर, इसलिए तो अलाइन उन राजेश जी, इसलिए मैंने बोला डी नाइन को देखते ही मैंने बोला कि ये 6-8-12 का काम करेंगे तो जरूर। की बात करें तो वो भी तो 2009 की पैदाइश है, तो अभी हाँ भाई उसकी 4th हाउस की बात करें प्राइमरी एजुकेशन की, तो मतलब इतनी खराब नहीं है, अपरेंटली दिखेगा खराब है, बच्चा कमजोर है, लेकिन ठीक है, अंदर से उसको समझ में चीजें आती होंगी, मतलब एवरेज एजुकेशन रहेगी। हाँ मतलब वो लगेगा कि मतलब भोदू बच्चा है, मतलब अच्छा नहीं है, बट वो अंदर से उसको समझ में आती होगी चीजें। लेकिन सर इस कुंडली में कोई मतलब ऐसा तो नहीं कभी भी कहना चाहिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है 20% तो बेटर हुई है, क्योंकि और दूसरी बात D9 में स्वराशि के सूर्य बैठे हुए हैं, तो मतलब अभी प्राइमरी एजुकेशन उसके ठीक, लेकिन सर अभी इसमें स्ट्रॉन्ग ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसको हम ये बोल सकें कि हाँ ये तो बहुत पॉजिटिव है, वो पॉइंट अगर आप बताएं ना जिससे ये लगे कि हाँ ये तो बहुत पॉजिटिव है। सर गुरु ग्रह ठीक है सारे, कौन मनीष बोल रहे हैं क्या? हाँ मनीष बोलो। जी सर, इसमें थोड़ा एक मिनट और लेंगे। हाँ, आप इसकी वो देखें कि मतलब अभी जैसे 18 साल से मान लीजिए 10 साल का विंडो है, 18 से 28 का, उसमें क्या इसकी दशा चलेगी,
वो भी बुध की चल रही है, बुध की 22 से चल रही है और 34 तक चलेगी उसकी, तो 34 तक उसकी उम्र जो है उस निकल ही जाएगी, 25 हो जाएगी, 25 के आसपास रहेगा, 25 के आस, मतलब वो पीरियड ठीक है बुध की ही, वो दशा में उसको जो राइज करना है, प्रोफेशन चूज करना है वही होगा। बुध की क्या पोजिशन है, तो बुध की जन्म कुंडली जरूर है बट अष्टम में है और वहां पे लाभ में है, हल्कि उसमें नीच के है, तो यहाँ स्वराशि के थे नीच के, तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस में वो नहीं हुई है। बस ये है कि अगर वो अष्टम को मान के, जैसा कि साई साहब ने कहा, वही फील्ड रिसर्च वगैरह फील्ड चुने तो एजुकेशन में भी अच्छा करेगा और वही प्रोफेशन बनेगा, और बाहर बाहर भी करे, क्योंकि आप देखिए तो 11th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड दोनों एक ही है और वो जाके 12th में है। बुद्ध एजुकेशन का कारक होता है और बुद्ध अगर अष्टम में भी हो तो भी पढ़वाता है इंसान, पढ़वाता है, हाँ सही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाता है, पढ़ाता है सर। और एक और जो मैं 4-8-12 का जो योग बन रहा है सर, 4-8-12 के स्वामी हैं सर एक साथ, तो वो भी मतलब एक बाहर घर से बाहर अगर निकल जाए तो भी उसके लिए अच्छा रहेगा। देखिए एजुकेशन का जहां तक संबंध है, एजुकेशन वाले भाव पे 4th-4th भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि होने से गुरु का आशीर्वाद तो 4th भाव पे है, वो भी अच्छा है, वो अच्छा है। 4th भाव अपने से त्रिकोण में गया है और लग्नेश और भाग्येश के साथ, और 6th-8th पे भी गुरु की दृष्टि है सर, तो जो भाव थोड़ा उसमें भी गुरु की दृष्टि है तो उससे थोड़ा भाव मतलब इतना खराब नहीं हुआ, थोड़ी बहुत जान जो इसमें भी दिख रही है उसमें भी दिख रही है, उसमें भी दिख रही है। 4th भाव जो है वो अपने से त्रिकोण में गया है। 4th भाव का स्वामी कहाँ है, 4th भाव का स्वामी शुक्र जो है अष्टम भाव में है, वो अपने से त्रिकोण में है और लग्नेश के साथ है और भाग्येश के साथ है, तो ये अच्छा है। लग्नेश और भाग्येश के साथ उनसे वृद्धि होती है, गुरु से दृष्ट भी है, वहां भी गुरु से दृष्ट है, उस वाले भाव में भी 8th भाव में वहां भी गुरु से दृष्ट है। कारक जो है स्वराशि में गया है, बुध जो है वो स्वराशि में है इस भाव का, और वो भी आपका गुरु से दृष्ट है। चंद्रमा जो स्थिर कारक होता है 4th भाव का, वो भी स्वराशि में गया है, वो भी गुरु से दृष्ट है। तो पढ़ाई जो है एवरेज चलती रहेगी, पढ़ाई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, हाँ पढ़ाई चलती रहेगी इसकी, पढ़ाई में ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब इसका लेकिन एक चीज आप देखिए कि 6-8-12 में सारे ग्रह हैं, ये बात बिल्कुल सही कही कि D9 के अंदर वो इम्प्रूव हो गए हैं, तो आदमी मतलब ये जैसे देख के लग रहा था कि बहुत ही कैसे बच्चा ये जीवन यापन कर रहा है, उस हिसाब से लगता है कि हाँ ठीक है, काम ठीक चलता रहेगा इसका। बट ये जरूर है कि इसकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि इसका भाग्येश हमें हर कुंडली के अंदर भाग्य भाव का स्वामी भी देख लेना चाहिए कि वो कहाँ गया है। भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पे सूर्य शुक्र जो है वो अष्टम भाव में चला गया है, तो हर कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी भी जरूर चेक करें कि वो कहाँ गया है। अगर भाग्य भाव का स्वामी अच्छे स्थान पे नहीं गया या गलत स्थान पे गया है, तो हम कहते हैं कि इंसान को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, तो ऐसे बच्चे को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। ऐसा बच्चे को जो कर्म करेगा वो सब कुछ अपने कर्मों के बेस पे ही करना पड़ेगा। इसी में सर मैं ऐड करना चाह रहा था बस एक चीज, हाँ बच्चन की कुंडली आप देखेंगे तो उसमें भी अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे, बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, ठीक है सर, और सब द्वितीय को देख रहे हैं, तो उनका अगर आप देखें पढ़े अगर कहानी, तो वो विविध भारती में इंटरव्यू में अपनी आवाज की वजह से रिजेक्ट हो गए थे, लंबाई की वजह से ऑडिशन में फेल हुए थे, तो जो अपने ऑर्ड को ही उस व्यक्ति ने अपनी स्ट्रेंथ बना करके वो की, तो वो चीज मैं कहूँ की द्वितीय भाव को 4 ग्रह देख रहे हैं, तो धन ये अपने ऑर्ड कर काम करेगा, मेहनत कर ये करेगा अपने सब पुरुषार्थ से, भाग्य का नहीं मिलेगा लेकिन इसके पुरुषार्थ में इतना सामर्थ्य हो सकता है कि ये अच्छा एक जीवन व्यतीत कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्थ के बारे में सभी ने कहा, हाँ हेल्थ में इसके प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसका सारा ही लग्नेश भी 8th भाव में है, कारक भी 8th भाव में है, तो हेल्थ तो प्रॉब्लमेटिक है ही है। वेल्थ के बारे में भी देसाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि अगर वैसे देखें तो दूसरे भाव का स्वामी 12th भाव में गया है, अगर कन्वेंशनल मेथड से इसको देखें, अगर इंडिया में रह के ही वो काम करता है ऐसे करता है तो जरूर उसको नुकसान है, लेकिन अगर वो बाहर से रिलेट हुए काम करता है, विदेश से रिलेटेड हुए काम करता है, तो वो पैसा कमा सकता है, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी 12th भाव में है तो धन की प्राप्ति होगी लेकिन विदेश से, ये एक अच्छी चीज इसके अंदर है, ये उनको बताया गया। इसका चंद्र लगन से कुंडली भी एक बार देखिए, कुंडली को कोई जब ऐसी कुंडली हो तो उसको चंद्र लगन से भी एक बार चेक कर लेना चाहिए और सूर्य लगन से भी चेक कर लेना चाहिए, तो चंद्र लगन से भी कुंडली को एक बार चेक कर लीजिए। चंद्र लगन से कुंडली को चेक करें तो लग्नेश लगन में आता है लेकिन राहु केतु एक्सिस में हो गया,
भाग्य का यहाँ पर भी साथ नहीं मिल पा रहा, भाग्य गुरु है, गुरु आपका राहु केतु एक्सिस में है, मंगल से ग्रस्त है, यहाँ भाग्य भाग्येश भी आपका थोड़ा पीड़ित है, केंद्र में गया है हालांकि अच्छी पोजिशन पर है, लेकिन राहु केतु एक्सिस में मंगल से ग्रस्त हो गया है, तो भाग्येश भी यहाँ पीड़ित है, तो मतलब ये यहाँ देख के भी लगता है कि जीव इस आदमी को अपने इस बच्चे को जो कुछ करना होगा अपने कर्मों के हिसाब से करना होगा, अपने कर्म को ये बनाएगा स्ट्रेंथ अपनी, तो ये काफी आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें सर चंद्र कुंडली में पराक्रम भाव तो मजबूत हो गया क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रह बैठ गए हैं, तो हाँ। पराक्रम अगर करेगा, मेहनत करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा इसको, तो सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, और इसका मैरिज का देखिए जरा सब लोग एक बार। सर सर हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा था दिलीप। हाँ दिलीप जी बोलिए। सर यूं कह रहा था कि ये जो धन भाव देख रहे थे उसमें यदि वो द्वादश में धनेश तो इन्वेस्टमेंट से भी कहीं मैंने पढ़ा था पैसा आ सकता है क्या, पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बारहवां भाव आपका विदेश का भाव है ना, अगर वो यहीं रह के काम करता है तो उसको सक्सेस नहीं है, क्योंकि उसका उसका ये हुआ कि धन मिलेगा लेकिन व्यय सारा व्यय भाव में चला गया, धन भाव का स्वामी जो है वो व्यय भाव में चला गया। कहीं वो इन्वेस्टमेंट करे खुद का तो वहां से इसको, तो विदेश में अगर इन्वेस्टमेंट करे या विदेश से पैसा लगाए तो वहां से विदेश से पैसा कमाएगा, धन भाव का स्वामी वहां गया है तो विदेश से पैसा मिल सकता है, वो ठीक है। हाँ दीपाली तुम कुछ बोल रही थी, तुम्हारा नेट बेखल गड़बड़ है दीपाली, शायद कुछ थोड़ा नेट से ज्यादा सर स्पीकर में मुझे लग रहा है। हाँ थोड़ा नजदीक ला के बोलेंगे ना तो आएगा आवाज। इसके सातवें भाव पे प्रभाव देखिए, सातवां भाव कैसा है इसका, शादी का विवाह भाव कैसा है, उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में पूछा जी विवाह भाव कैसा रहेगा इसका, हालांकि भी बहुत जल्दी है, मैंने उनसे कहा कि जी इतनी जल्दी क्यों पूछ रहे हो, बच्चा है अभी, तो कहते नहीं जी फिर भी बता दो थोड़ा सा। सर सातवां भाव विवाह भाव है, सर शुक्र है तो पाप पाप वो तो शुभ ग्रह है तो पाप शुक्र है, लेकिन मतलब ये है कि वो तो है लेकिन फिर भी उतना पाप कत्री का उतना पाप कत्री नहीं है, वो तो उतना नहीं है, उतना नहीं है क्योंकि अस्त नहीं है फॉर्चुनेट। और दूसरा चंद्रा नहीं, चंद्रा अपनी राशि में बैठा हुआ है, इधर चंद्रा अपनी राशि में है, इधर लेकिन राहु केतु में है, वो राहु केतु है, चंद्र को तो नहीं मानेंगे, अच्छा मंगल के साथ नहीं, 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 लेकिन पाप कत्री को तो वो काटेगा ना, उतना नहीं राहु मंगल है, उधर सूर्य शनि है, सब पाप कत्री तो हो ही गया ना, ऐसे ऐसे इसमें ऐसा नहीं होता है ना, वे ऐसा वेट करके कि इसमें तीन किलो का आ गया तो इसमें भी तीन किलो तभी नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक शुभ ग्रह आ गया तो पाप कत्री इतना नहीं इफेक्टिव है, कतरी का इफेक्ट इतना नहीं होता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि पाप प्रभाव है साथ में। हाँ लेकिन हाँ पाप प्रभाव है, लेकिन सर पाप कतरी हाँ। इतना नहीं बोलेंगे क्योंकि पाप कतरी नहीं बोलेंगे, शुक्र जो है यहाँ पे भाग्येश है, आप देखिए भी है और चंद्र भी है दोनों, हाँ, तो सर दोनों ना दोनों सर अस्त भी नहीं है, बुध और शुक्र अस्त भी नहीं है, तो इसलिए थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे तो पाप कतरी का प्रभाव कम पड़ेगा। नहीं और बोलिए और बोलिए, बच्चा है ये दीपाली जी बोल रही है। हाँ दीपाली जी बोलिए। सर मैं कह रही हूँ जो इसके पेरेंट्स हैं वो अच्छे वेल टू डू हैं। हाँ पेरेंट्स वेल टू डू हैं। सर वो शुक्र भी है ना अष्टम में, कहते हैं बड़ा सही रहता है, मतलब घर भर बड़ा नहीं, पेरेंट्स पेरेंट्स वेल टू डू हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं काफी, पेरेंट्स इनके इसमें डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, ससुराल भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ससुराल तो स्ट्रॉन्ग मिला है, इकलौता लड़का है इनका ये, और दोनों हस्बैंड वाइफ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो ससुराल तो खैर अच्छी मिलेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, लव मैरिज के चांस है ना सर, तो कुछ कह नहीं सकते फिर मैरिज में, क्या मैरिज का कैसे रहेगा मतलब इसका, ये थोड़ा बताया नहीं आपने, मैरिज मैरिज भावेश एक में है, कारक एक में है, और भी था दीपाली तुम्हारा थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है, भावेश कारक और विनस अपने मूल त्रिकोण से ट्वेल्थ में है, इसमें इसमें एक चीज ये भी है सर कि हाँ बोलो बोलो बोलो, आवाज आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब इसमें सर ये देखे कि मतलब तीन त्रिकोण है जैसे हाँ। जो इम्पोर्टेंट है, बुध शनि शुक्र,
और अगर सप्तम को भी जोड़ सारे जो है आठवें में आ गए हैं, तो इस बच्चे की तो जल्दी शादी करा दी जाए इसके लिए बढ़िया है सर। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे सर तो इसकी शादी मतलब जैसे ही शादी लायक हो शादी करा दे तो किस्मत बदल जाएगी। वैसे भी ये लोग शादी लायक होगा तो शादी करा ही देंगे क्योंकि ये लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाँ मतलब जैसे ही इसकी एज हो तो इसके लिए तो मतलब बहुत अच्छा। पैदा भोपाल में हुआ है लेकिन राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये शादी जल्दी करा देंगे। तो खैर वो इसीलिए उन्होंने शादी का पूछा भी इसका, हालांकि अभी 13 साल का हुआ था हमने उसका कहा भी। हाँ लेकिन उसके बाद सर दशा भी तो देखिए कौन सी आई। लेकिन इसको ये भी अष्टम, इसका अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं तो इसको मतलब वो सब भी जमीन जायदाद और इस तरह की चीजें इसको मिलनी चाहिए। पैतृक संपत्ति मिलेगी, सातवां भाव संपत्ति मिलेगी, हो सकता है वाइफ की संपत्ति मिले। सातवां भाव पे सातवें का लाड़ अष्टवें में गया, सातवें का धन आठवां है तो इसको मिल सकता है। और शुक्र भी आठवें भाव में है इसके अंदर, और मूल त्रिकोण से बारहवें में है सर। हाँ तीनों त्रिकोण और इसके सब और दोनों सब दोनों यही जो फेमिनाइन जो प्लैनेट्स है दोनों मतलब फीमेल प्लैनेट चंद्र और शुक्र दोनों पीड़ित है तो थोड़ा बहुत इश्यू तो लगे रहे, शादी में इश्यू रहेगा। हाँ शादी में इश्यू रहेगा सर। सप्तमेश का अष्टमेश में अष्टम में जाना तो सही नहीं है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाहर की लड़की ढूंढ ले ना कहा कुछ भी हो जाए। हाँ लेकिन सर आप देखिए सर, मैंने ना सर्वाष्टक देखा था इनका तो बाहर में ना दूसरे भाव से ज्यादा पॉइंट्स है तो वो इनका विदेश से फायदा। सर मेरे हिसाब से मैंने क्यों बोला सर, आप देखिए तो सेवंथ लॉर्ड किसके साथ है आप देखिए सर है कि नहीं, तो फिर सेवंथ और ट्वेल्थ लॉर्ड साथ में बैठे हुए हैं तो बाहर से तो फिर बाहर भेजो ना उसको तो उसके तो उसकी लाइफ पूरी बदल जाएगी सर, पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी और बहुत बढ़िया लाइफ रहेगी उसकी। इसलिए क्वेश्चन और सर मैं बाहर भेज रहा हूँ सर उसको। हाँ हाँ दीपाली बोलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था जब जैसे गुरु बकरी है कोई भी प्लैनेट जब बकरी हो जाता है क्या उसे एक प्लैनेट पीछे भी कंसीडर करना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये आपके भारतीय विद्या भवन की थ्योरी है इसको मत लगाना कभी भी। अरे एक सर प्लैनेट, तो एक बहुत कंफ्यूजन। ना 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 बकरी का बिल्कुल नहीं, बकरी ग्रह जहाँ है वहीं आपको लेना है, उसके पीछे से दृष्टि काउंट नहीं करनी, उसके पीछे से आपको उसको लेना नहीं, ठीक है ना। ये आप लेके चलेंगे तो हमेशा आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। 8-10 कुंडली में तो रिजल्ट आप ले लेंगे लेकिन बाकी कुंडली में रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। सर आपको भारतीय विद्या भवन का पता है कि मतलब आप यहाँ पढ़ा चुके हैं क्या? पढ़ चुके हैं, मैं नहीं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा आइडिया है मुझे कि वहाँ पर ये थ्योरी चलती है कि पीछे वाले भाव से दृष्टि ले लो उसकी। सर यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, हर बच्चा है ना यही सोचता रहता है कि ये बकरी करेगा करे क्या। नहीं नहीं बकरी का देखिए कुछ नहीं होता, बकरी का मैं आपको बताता हूँ सिद्धांत। कोई ग्रह जहां बैठा है, गुरु जहां बैठे, अभी गुरु हम बकरी की बात नहीं कर रहे, अभी हम सोच रहे हैं गुरु प्लेन है, गुरु जहां बैठा अगर वहां बैठ के वो भला करने वाला है। गुरु कहाँ का स्वामी है? गुरु आपके 11वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी है। तो गुरु 12वें भाव में बैठ के भला करने वाला है या बुरा करने वाला? अगर वो बुरा करने वाला है तो वक्री हो गया तो और बुरा करेगा, अगर वो भला करने वाला है तो वक्री हो गया तो और भला करेगा। वो वक्री होने से चेष्टा बल बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये गुरु जो है 12वें भाव में राहु केतु के साथ तो यहाँ इसको मैलिफिक की काउंट होगा, ये तो गुरु मैलिफिक नहीं होगा, गुरु को मैलिफिक नहीं होगा, गुरु मैलिफिक इफेक्ट में, गुरु मैलेफिक इफेक्ट में जरूर है लेकिन गुरु मैलेफिक नहीं हुआ। गुरु की दृष्टि जो होगी वो हमेशा शुभ ही रहेगी चाहे जहां भी पड़े। अच्छा सर, अगर पाप ग्रह, सर अगर पाप ग्रह सपोज भाग्येश या लग्नेश है तो वो तो अच्छा हो गया पाप ग्रह, लेकिन उनकी दृष्टि गलत होती है या उनकी दृष्टि में अच्छी रहती है? दृष्टि हमेशा पाप ग्रह की पापी रहेगी, अशुभ रहेगी, और अशुभ ग्रह की शुभ रहेगी, चाहे वो भाग्येश हो चाहे लग्नेश हो, चाहे भाग्येश हो या लग्नेश हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सिद्धांत रखने हैं, ठीक है जी, मन में ये रखोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुंडली है, एक कुंडली और लगा लें? हाँ लगा लीजिए, चलिए एक कुंडली और लगा लेते हैं। आपने नहीं दी है ना लेकिन, ये तो मैं जरा ज्यादा चाहूंगा, थोड़ा मुझे जाना है।
हाँ अच्छा, जाने हैं, जाना चाहते हैं जी। तो चलिए, क्या टाइम क्या हुआ है? 11:11 होने वाले हैं सर, अगले संडे करेंगे। चलिए अगले संडे करते हैं, अगले संडे कुंडली थोड़ा सा। अरे कुंडली का वो पिक्चर तो दे दीजिए, तो हम मतलब दिखा दीजिए, तो हम वो पिक्चर मिल जाएगा हमको पिक्चर। अब जो ये लास्ट वाली है वही होगी ना? हाँ 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 हाँ, तो उसका पिक्चर है, तो हमको मतलब आप जब ये वीडियो आएगा तो हमको पता चल जाएगा। हाँ ये लास्ट वाली कुंडली है। और क्वेश्चन क्या है वो बता दीजिए। कौन सी क्लास लेते हो? अष्टक वर्ग। सर अपनी रेगुलर दूसरी क्लासेस नहीं चालू हुई? वैदिक वाली दिसंबर में चालू कर रहा हूँ सर, क्रिसमस डे के दिन चालू हो जाएगी मेरी क्लास। सर आप मुहूर्त का भी लेते हो क्या, मतलब कोई ऐसे ही? नहीं मैडम, अभी मुहूर्त का नहीं लिया है दीपाली, मुहूर्त का मैं लूंगा, अभी मुहूर्त का नहीं लिया है, अभी पहले वैदिक वाला पढ़ाऊंगा फिर मुहूर्त का स्टार्ट करूंगा। सर मेडिकल टाइम नहीं मिल पाता ना, इतना जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाता। मेडिकल लेना है अपने को? मेडिकल लेना है अभी, मेडिकल का स्टार्ट करना है। आपने प्रॉमिस किया है कि एक वो करवाएंगे। सर सर नेक्स्ट क्लास में सर आपकी कुंडली डिस्कस करते हैं, आपकी कुंडली बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझको। मेरी कुंडली? सर इतनी बिजीनेस के साथ आप एस्ट्रोलॉजी को भी पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं इंटरेस्ट होता है ना तो सब चीज हो जाती है, आप लोग सब इंटरेस्ट लेते हैं, पैशन है। आठवां भाव पावरफुल होगा तो सब उसमें हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनका, और इनका अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है ना उस चीज से, कि आप पढ़ाई भी ठीक कर रहे हो, गुरु भी आपको ठीक मिल गया, कंफ्यूजन दूर करने वाला मिल गया, तो आप आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सर आपने कहां से सीखा है एस्ट्रोलॉजी? मैंने बेसिकली गुरु हैं आशुतोष झा, उनसे सीखा था, मैंने पढ़ा अपने आप से था, आशुतोष झा जी हैं, उनकी क्लासेस मैंने अटेंड करी थी, उनसे मैंने सीखा था। सर ये सर इनका क्वेश्चन तो बताइए। इनका क्वेश्चन ये है, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। हेलो हेलो, ये कौन सी कुंडली है? हाँ बेटा, हाँ अंकित बोलो। नहीं 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 बेटा, अच्छा इनका क्वेश्चन ये, इनका क्वेश्चन है कि इनकी शादी की बात चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था और सगाई वगैरह इनकी हो चुकी थी, 3 मार्च को लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, 3 मार्च को दोनों मिलने का फैसला करते हैं, दोनों मिलते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 16 मार्च 22 को अचानक ही लड़के के पिता मना कर देते हैं सगाई के, शादी के, सगाई के लिए, शादी के लिए जो भी शादी की बात चल रही थी इनकी, वो उसको मना कर देते हैं, तो ऐसा क्यों है? इनका सगाई भी टूटा है वैसा, वो वैसा हाँ, मतलब ये समझ लो आपकी शादी की बात टूट गई, ये कुंडली लगाई गई सर, इसकी बात कर रहे हैं? ये कुंडली मैंने लगाई है, ये आप देख लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे हम कि ऐसा क्यों रहा, इसमें भी गोचर वगैरह चेक कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। ओके सर, अब सर एक दो कुंडली मेरे पास है, तो मतलब पर्सनली मैं उसके डेथ रिलेटेड कुछ इश्यू लग रहा है। नहीं नहीं, अभी डेथ वाले पे हम लोग जब पहुंचे। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, मैं पर्सनल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसमें नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली तो कब आपका कांटेक्ट करूँ वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दीपाली, वो जो तुमने कुंडली भेजी थी ना 3-4? यस सर, यस सर। वो कुंडली जो थी उसमें मैंने लिख के भेजा है कि तुम्हें वो डेट ऑफ मैरिज है वो भी देनी है ना, क्योंकि तुमने डाइवोर्स वगैरह का पूछा है उसके अंदर की क्या वो लिखा हुआ है। यस सर, यस सर, वो डिटेल भी वहां से ले लो। यस सर, सर ले लूंगी सर मैं। डाइवोर्स का तो सर ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर ये है कि वो बिल्कुल ही मेरे मतलब बहुत ही खास रिलेटिव ही है, तो पूछना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो नहीं, उनसे पूछ लो कि मैरिज कब हुई थी, वो तो पता कर लो ना। हाँ सर, मैरिज का तो पता चल जाएगा सर। और दूसरा जो कुंडली थी जिसमें बेटा पैदा हुआ या बच्चे की कुंडली है उसमें भी पता कर लो शादी कब हुई थी। यस सर, सर शादी का मैं पता कर लू। हाँ तो वो पता करके भेजिए, उस कुंडलियों को हम लोग लगा लेंगे, अच्छी कुंडली है आपकी, वो प्रैक्टिस क्लास में हम लोग लगा लेंगे। और किसी को प्रैक्टिस क्लास में कुंडली भेजनी हो तो वो भेजते रहिए, जैसे ही उससे रिलेटेड टॉपिक आएगा मैं उन कुंडलियों को लगा लूंगा उसके अंदर। सर हाँ बोलिए। सर आज आप कब फ्री हो? 5 मिनट चाहिए तो कोई विशेष बात करनी। कौन बोल रहे हैं? दिलीप। दिलीप हाँ दिलीप जी बोलिए, मैं बात कर लूंगा आपसे, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ निजी है इसीलिए बात, पर्सनली है। अच्छा पर्सनल बात है,
हाँ तो कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं कहीं जा रहा हूँ, पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो बता दीजिए कितने बजे। मैं शाम को आ जाऊंगा 4:30 बजे करीब, 4:30-5:30 बजे। ठीक है, मैं लगभग उस समय कर लूंगा, उस समय। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरा नंबर कब आएगा? थोड़ा मतलब ये क्रिटिकल इश्यू है, इसलिए अच्छा। आपसे बात कंफर्म करना, तो कल बात कर लीजिए, कल कभी शाम को, कल 12:30-12:30 बजे करीब दिन में बात कर लीजिए, दिन में। और हाँ। मैं देखता हूँ, ठीक है सर, कल बार बात कर। सर राजेश बोल रहे थे। हाँ राजेश सर, सर आपसे अपने बच्चे की कुंडली दिखवानी थी सर, तो कैसे प्रोसेस कर सकते? नहीं प्रोसेस क्या करना है यार, तुम भेज देना कुंडली, देख लेंगे उसमें क्या बात है। डिटेल भेज देना, क्वेश्चन भेज देना, हम देख लेंगे उसमें कुंडली। मैं अभी एक दो दिन तो जरा बिजी हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन एक दो दिन का नहीं सर, आप आराम से जब भी मिले मैं, लेकिन कैसे भेजूं सर? व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए उसकी डिटेल, और जो क्वेश्चन है वो मेरा नंबर आपको मालूम ही है, ठीक है ना? तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और क्वेश्चन का डिटेल भेज दीजिए, क्या क्वेश्चन है, तो मैं उनको देख के आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? मैं अभी सर आपको डिटेल भेज देता हूं, स्टडी से रिलेटेड है अभी तो। हां भेज दीजिए। मैं सर डिटेल भेज देता हूं आपको, ताकि आप भी देख के रख सके, ठीक है ना? ठीक है सर, आपके नंबर पे मैं वो डिटेल भेज देता हूं, आप देख के रखना। ओके ओके, चलिए आज यहीं तक करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू सर, नमस्ते।